इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। लेकिन स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर वन। इसमें देखो आपको मेंशन किया है एबीसी कंपनी कंसीडरिंग एक्विजिशन ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड विच हैज 1.5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड इशूड। मार्केट प्राइस पर शेयर जो रुपीज 400 गैर के प्राइजेंगे। एबीसी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्स वाई जेड इंडिकेट्स इट्स एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एज फॉलो। को कैश फ्लो और कैश अक्रूवल्स आपको ये नेक्स्ट 3 ईयर्स है। कैलकुलेट का रेंज ऑफ वैल्यूएशन गया कि ए बी सी हैज टू कंसीडर, क्योंकि के ए बी सी ने एक्वायर करना है एक्स वाई जेड। तो इस कंपनी के 1.5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। सो एक है कि नंबर ऑफ शेयर्स दी जा रहा 1.5 करोड़। एंगल इशूड और मार्केट प्राइस दिया है आपको शेयर पर। मार्केट प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इट इज गिवन। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो कि ना एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर जिसे रुपीज 400। क्योंकि हम एक्स वाई जेड को एक्वायर करने हैं उसके कैश फ्लो भी हैं, तो आपको कैलकुलेट करनी है बल्कि रेंज ऑफ वैल्यूएशन क्या कि ए बी सी हैज टू कंसीडर। तो आपको बताना है एक्स वाई जेड की रेंज क्या है वैल्यू की, रेंज ऑफ वैल्यू। तो इट मीन्स ये हम पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक को वैल्यू मार्केट प्राइस की है तो उसके बेस पर भी एबीसी कंपनी इसको पेमेंट कर सकती है। एक हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं जो फ्री कैश फ्लो लिए हैं उसके बेस पर उसकी कितनी वैल्यू बनती है, तो एक वो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड शेयर बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लो। उसका फार्मूला ये बन जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। तो कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये आप टेबल बना लीजिए। 3 सालों के कैश फ्लो दिए हैं आपको फ्यूचर ईयर में, ईयर 1, 2 एंड 3 फ्री कैश फ्लो की गिवन। तो जो अमाउंट है ये है आपका रुपीज इन करोड़ में फ्री कैश फ्लो आर गिवन, जैसे जो 250, 300 एंड 400। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एबीसी की जो रिक्वायर्ड रिटर्न है KO वो आपको दे रखी है, KO है 12%। तो उसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक 12% देखिए जो 1 / 1.12 किसी 0.893, 0.797, 0.71। अब आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो किसी 250 × 0.893, 300 × 0.797, 400 × 0.712। टोटल वैल्यू होगी 747.15 रुपीज़ आपके कहने हैं करोड़ में। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए बाकी वैल्यू पर शेयर। टोटल वैल्यू है रुपीज 747.15, ये करोड़ में है और नंबर ऑफ शेयर्स आपको गए 1.5 करोड़। 1.5 से डिवाइड कर लीजिए। सो दिस विल बी वैल्यू पर शेयर, जिसे जो रुपीज 491
तो इतनी सब आप कैलकुलेट कर सकते हो इसलिए कितनी रेंज क्या है वैल्यू की, रेंज ऑफ वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स वाई जेड, जैसे कि रुपये जो 400 जिसको एक्स वाई जेड का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो को उसको मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए। ये मिनिमम बन गया एक तरीके से 400 से लेके 498, रुपीज 498.10 ये बन गया उसका मैक्सिमम। तो जो प्राइजिंग वैल्यू के बेस पर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं शेयर के, किसी आंसू कहा कि ट्रू वैल्यू, तो एक तरीके से ये इसकी ट्रू वैल्यू है, तो उसके बेस पर मैक्सिमम इतना प्राइस हम उसको पे कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर सेकंड, इसमें जो आपको मेंशन किया है ए बी कंपनी जो प्लानिंग को एक्वायरिंग एब्जॉर्व रनिंग बिजनेस हो एक्स वाई लिमिटेड, इसमें ए बी कंपनी है ए बी लिमिटेड, इसने एक्वायर करना है बिजनेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, देखिए रनिंग बिजनेस वैल्यूएशन इसको भी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मार्केटिंग बैंकर्स है एंड द कंसीडरेशन इसको भी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर को भी इशू बाय ए बी, तो उसके लिए ए बी कंपनी ने ए बी विल पे कंसीडरेशन मीन्स जब हम एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करके है उसके लिए हम उसको कंसीडरेशन पे करके हैं, तो ये हम पे करेंगे बाय इशू ऑफ शेयर्स, उसके लिए इसने अपने शेयर इशू करने हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स, ये आपको मेंशन किया है। तो नाउ इट इज गिवन एज ऑन 31 मार्च 2021, तो जिस डेट को आप अक्वायर कर रहे हैं तो आज आपकी डेट है किसी के एज ऑन 31 मार्च 2021। सो पेकअप कैपिटल ऑफ ए बी कंसिस्ट ऑफ 80,00,000 शेयर्स रुपये 10 ईच, तो ए बी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपको दिए हैं तो उसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी कैपिटल 80 लाख ऑफ रुपी कैन ईच एंड हाइएस्ट एंड लोएस्ट मार्केट कोटेशन ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स वर जिसमें के, और इसका मार्केट प्राइस भी है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स वो भी आपको दिया है हाइएस्ट एंड लोएस्ट, तो हाइएस्ट कितना है 570 और लोएस्ट है आपका 430, जिसी हाइएस्ट जिसी लोएस्ट। सो फॉर की पर्पज ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स जब ये ए बी कंपनी है ए बी, जब ए बी अपने शेयर इशू करेगी उसको कहते हैं जब हम एक्स वाई जेड के शेयर के बदले में अपने शेयर इशू करेंगे किसी का एक्सचेंज, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि प्राइस पर शेयर इशू भी रखेंगे एज एवरेज ऑफ हाइएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ, तो इट मीन्स जो आपने इशू करने हैं शेयर तो उसका इशू प्राइस आपने लेना है इनका एवरेज, तो वट विल बी इशू प्राइस, एवरेज मीन्स हाइएस्ट प्लस लोएस्ट, उनको दोनों को ऐड कीजिए डिवाइड कर दो 2 से, तो जैसे 1,000 2 तो 500 जो आपका इशू प्राइस आ जाएगा। इट मीन्स ए बी ने जब एक्स वाई को पेमेंट करनी है और वो अपने शेयर इशू करेगी तो इशू प्राइस होगा आपका 500 रुपीज, तो एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 गिवन। अब इस डेट को आपको एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट दी है एक्स वाई बैलेंस शीट, सो एक्स वाई लिमिटेड बैलेंस शीट की गिवन, तो उसमें देखो शेयर कैपिटल है 20 लाख शेयर्स हैं रुपीज 10 ईच फुली पेड 200 लाख के, 10 लाख शेयर्स हैं रुपीज 10 ईच रुपीज 5 पेड 50 लाख के, लोन्स हैं फिक्स एसेट्स हैं करंट एसेट्स हैं, सो एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ मार्केटिंग बैंकर्स एंड गेट फॉर नेगोशिएशन है प्रोड्यूस का फ्लोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लोज, फिर आपको कैश फ्लो का एस्टिमेट भी दिया है जब आप एक्स वाई जेड का बिजनेस एक्वायर करेंगे एक्स वाई लिमिटेड का, तो और वो कैश फ्लो ये है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, इट मीन्स आज डेट है 21, तो आपको फ्यूचर के कैश फ्लो दिए हैं 22 के 23 24 25 26 27 का, आपको जिस ईयर आपको कैश फ्लो दे रखे हैं और टर्मिनल वैल्यू भी दी है आपको, तो इतनी 2026 ही है ये, तो यहाँ कैश फ्लो भी दिए हैं आपको और उसकी टर्मिनल वैल्यू भी दे रखी है रुपीज इन लैक्स में है आपके पास।
सो एक जो रिकमेंडेशन होगा मर्चेंट बैंकर का कि बिजनेस हो एक्स वाई मे बी वैल्यू का बेसिस हो। अब आपने एक्स वाई के बिजनेस की वैल्यू करनी है तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो वो उन्होंने इसका मेथड प्रिस्क्राइब किया है मर्चेंट बैंकर ने। वी हैव टू टेक एवरेज ऑफ, आपने एवरेज वैल्यू लेनी है ऑफ किस किस की एवरेज करनी है, एग्रीगेट ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो को आप एक को निकालो प्रेजेंट वैल्यू से, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट 8%, तो पी वी फैक्टर लेंगे 8% एंड नेट एसेट वैल्यू, और जो नेट एसेट के बेस पर वैल्यू आएगी। तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी है एक्स वाई की, उसके बेस पर फिर हम उसको शेयर इशू करेंगे 500 के बेस पर। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं 1% फॉर नेक्स्ट ईयर्स, को कैलकुलेट कीजिए टोटल वैल्यू बिजनेस ऑफ एक्स वाई। तो लेगेसी पहले कैलकुलेट करके हैं नेट एसेट्स के बेस पर कितनी वैल्यू है। तो फर्स्ट लेगेसी वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ एक्स वाई, सो एज पर नेट एसेट मैट्रिक, अब देखो ये जो आपने वैल्यू निकालनी है टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है या इक्विटी। अब हमने जो शेयर इशू करने हैं वो हम इशू करके हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इट मीन्स इनडायरेक्टली ये जो वैल्यू है गिसी फॉर इक्विटी, गिसी वैल्यू बिजनेस गिसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसका फार्मूला बन जाएगा एड पर नेट एसेट मेथड में, तो गैस इक्वल टू आप देखो बैलेंस शीट का अभी हमने किससे सीखी, बैलेंस शीट में आपको वैल्यू दी है फिक्स्ड एसेट्स हैं करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस नेट करंट एसेट्स आपको दी हैं और माइनस करके लोन्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 150 प्लस नेट करंट एसेट 200 एंड लोन्स हैं आपके 100, सो जिसमें नहीं जो कमेंगे रुपीज 250 लाख, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड कैलकुलेट करके हैं अब जिस वन प्राइम वैल्यू सेकंड किसी जबर वैल्यू बेस ऑन प्राइजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, उसके लिए आप बना लीजिए डेटा ईयर फ्यूचर के ईयर्स आपको दिए हैं, सो ईयर इज गिवन 2020 को, ईयर आपका एंड हो रहा है 31 मार्च को। देखो तो आज आपकी डेट है हमें लिखी 31 मार्च 2021, वो बन गया 0 टाइम पीरियड, तो 22 जो है हमारा वो बन जाएगा फर्स्ट ईयर 2022, देन 2023, 2024, 2025, 2026, तो नेक्स्ट 5 ईयर हो गए। फिर आपको टर्मिनल वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करके ये रखी है 2026 में, तो बता रहा फ्री कैश फ्लो किसी जो गिवन रुपीज लैक्स में चल रहे हैं आपके, रुपीज आ रही लैक्स, सो फ्री कैश फ्लो है 105, 120, 125, 120, 100 and 200, इसको अप्लाई कीजिए पी वी फैक्टर एट 8%। तो अब देखो ये भी आपको क्वेश्चन में यही रखा है कैलकुलेट करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8%, किसी जो 0.93, 0.86, 0.79, 0.74, 0.68, और ये भी आपका सेम ईयर है तो उसका भी पी वी फैक्टर सेम रहेगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए और उसका टोटल कर लीजिए,
105 टाइम्स 0.93 120 टाइम्स 0.86 125 टाइम्स 0.79 120 टाइम्स 0.74 सो 300 टाइम्स 0.68 सो टोटल वैल्यू इज 592.4। ये रुपीज आपके लैक्स में चलेंगे। अब आपको इनको वैल्यू लेनी है इन दोनों की एवरेज। इट मीन्स वट इज एवर वैल्यू ऑफ एक्स वाई। सो एक्ट नेकेस से मैच में किसी 250 लैक, एक्ट प्रेजेंट वैल्यू 592.40, इसका कर दो एवरेज डिवाइड बाई 2, ये आपके रुपीज लैक्स में आ जाएंगे। प्लस 250 डिवाइड बाई 2 जिसे 421,20,000। अब देखो उनको कितने शेयर इशू करेंगे। तो पहले उन्होंने पूछा टोटल वैल्यू निकालो, ये वैल्यू आ गई आपकी। नाउ ये रहा इसकी नंबर ऑफ शेयर को भी इशू, नंबर ऑफ शेयर से इशू उनको किसने इशू करने हैं, इशूड बाय एबी। एबी ने इशू करने हैं 2xy। इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू 421,20,000, इसको डिवाइड कर दो। सर इशू प्राइस था शेयर का आपका ₹500, जो हमने कैलकुलेट किया हाईएस्ट और लोएस्ट एवरेज प्राइस, तो डिवाइड कर रखे हैं इसको 500 से। तो इट मीन्स आपके टोटल शेयर बन रहे हैं 84,240। इतने शेयर आपने इशू करने हैं। एंड देयर आल्सो आस्किंग द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ शेयर अमंग शेयर होल्डर ऑफ एक्स वाई। अब ये जो शेयर्स हैं ये किस तरीके से हम देंगे शेयर होल्डर्स को, तो मीन्स किस रेशो में देने हैं। तो आपने देखा था कि इसके दो तरह के शेयर्स हैं, वो आप कैलकुलेट कीजिए। नाउ शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स वाई, देखो एक को है ₹10 का फुली पेड शेयर, ₹10 फुली पेड। अब कुछ शेयर होल्डर हैं जिन्होंने ₹5 पे किए हैं, ₹5 पेड। तो आप देखो उनका पेड ऑफ कैपिटल कितना है, पेड ऑफ कैपिटल वो आपको दे रखा है। तो जिसमें ये जो फुली पेड है उनका है 200, रुपीज लैक्स में चल रही है। उनको 5 रुपीज हैं उनका है 50। तो उतनी सही जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं इस रेशो में उनको आप इशू कर दीजिए, जिससे ये टोटल 250 यहाँ मेंशन कीजिए नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो 84,240 को आपने इशू करने हैं। ये शेयर हमने इशू करने हैं अगेंस्ट 250 लाख का जो कैपिटल है। सो वकील भी फॉर 250 एंड वकील भी फॉर 200, ये प्रपोर्शनल आ जाएंगे आपसे। सो इनको 200 डिवाइड बाई 250, तो इनको मिलेंगे जी 67,392 शेयर। ये उनको मिलेंगे जिनका फुली पेकअप अमाउंट है। इनको कितने शेयर मिलेंगे, बैलेंस जो बचे 84,240 डिवाइड करो 250 वकील भी फॉर 50, जो उनका पेकअप कैपिटल है, मीन्स 1/5 बन गए आपके, जिसे कमिंग 16,848 शेयर। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था कि आपको थोड़े मैथड थे, गो मैथड थे इसमें, नेकेस मैथड, फ्री कैश फ्लो मैथड, उनको एवरेज करके वैल्यू निकाली, फिर आपने बताना था कितने शेयर इशू करने हैं क्योंकि इशू प्राइस ही है, फिर इसमें जो अब टारगेट कंपनी है उसके दो तरह के शेयर हो जाने हैं फुली पेड और पार्टी पेड, उनको भी बताना है कितने कितने शेयर मिलेंगे, तो वो हम उनके पेड ऑफ कैपिटल के रेशो में डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर जो आपने इशू करने हैं। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए, देन यू कैन नोट डाउन, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें जो मेंशन किया है, तो दिस इज गुड क्वेश्चन। इसमें आपको मेंशन किया है एक्स वाई जेड इज एक्स वाई लिमिटेड इज स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स इज प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन टू हैंडल ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट विच इट एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन
एंड कंपनी है कि बोरोग रुपी 100 लाख ऑन विच इंटरेस्ट इज पे 10% पर एनम। इसके कुछ बोरोग मीन्स लोन भी चल रहा है। द कंपनी शेयर अनकोटेड एंड इट हैज डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस इन रिगार्ड टू कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू कंपनी दैट कुड बी यूज्ड इन अ नेगोशिएशन यूजिंग फॉलोइंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड फोरकास्ट। तो अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्सवाई लिमिटेड की। सो वी हैव टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। कंपनी फोरकास्ट से टर्न ओवर फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 एक ₹2000 लाख विच इज मेनली डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू ऑब्टेन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट द चांस फॉर विच इज 60%। टर्न ओवर फॉर द फ्लोइंग ईयर इज डिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट ऑन द आउटकम ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022। फ्लोइंग ईयर के एस्टिमेटेड टर्न ओवर एंड प्रोबेबिलिटीज। आपको देखो टर्न ओवर की इस कंपनी की एस्टिमेटेड टर्न ओवर जो हो किस ईयर की गई है, आपको एक लिया है ईयर 2022 एंड दिस इज एंडिंग ऑन 31 मार्च। इसको देखो आपको टर्न ओवर भी गई है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको गई है फॉर दिस ईयर। कुछ मीन्स अब आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज ऑन जैसे 31 मार्च पूरे गए के 31 मार्च 2021। तो ये हो गया आपका जीरो पीरियड, ये बन जाएगा आपका टाइम पीरियड नंबर वन। देखो तो टर्न ओवर जो है रुपीज लैक्स में चल रहे हैं आपके। सो टर्न ओवर कैन बी 2000 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। टर्न ओवर कैन बी 1500, इससे प्रोबेबिलिटी जो 0.3 और टर्न ओवर कैन बी 1200, इससे प्रोबेबिलिटी 0.1। तो गैन गेयर सेंगे कि टर्न ओवर ऑफ नेक्स्ट ईयर जो फॉलोइंग ईयर है विच इज ईयर 2023 एंडिंग 31 मार्च। सो इट सम टाइम से डिपेंड्स अपॉन ए टर्न ओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। उसकी टर्न ओवर के लिए देखो एक कैन बी टर्न ओवर एंड प्रोबेबिलिटी। टर्न ओवर आपको दिया है 2500 और एक कैन बी 3000 देन एक कैन बी 2000 एंड 1800 एंड 1500 1200 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, 0.3, 0.55, 0.64। तो प्रोबेबिलिटी का कोकल होता है डिफरेंट, एक तरीके से डिफरेंट इवेंट्स होती हैं तो उसका कोकल हमेशा वन होना चाहिए। देखो ये वन बन रहा है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या है, 7-3-1 बन रहा है और ये 5-5-1 बन रहा है, 6-4-1 बन रहा है। तो इट मीन्स ये जो टर्न ओवर है ना दोनों, ये इसके ऊपर डिपेंड हो रही है आपकी। ये जो दोनों टर्न ओवर हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डाटा भी इसी तरीके से किया है क्वेश्चन में, ये टर्न ओवर इसके ऊपर डिपेंड हो रही है एंड किस टर्न ओवर डिपेंड्स अपॉन दिस मंथ। देखो टर्न ओवर की है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 40% एंड 35% ऑफ टर्न ओवर फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। फिर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिए हैं दोनों सालों की ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसमें इंक्लूड है आपकी डेप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो किसी गिवन में 40% ऑफ टर्न ओवर, तो फर्स्ट ईयर में 40% है टर्न ओवर की, यानी कि 35% ऑफ टर्न ओवर। एंड गैर सिंह टैक्स इज 30%, टैक्स का रेट भी आपको दिया है 30%। सो इसके लिए ड्यूम गए तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज आर फ्री कैश फ्लो। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट आएगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स पैट, यही आपका फ्री कैश फ्लो है, जैसे कि फ्री कैश फ्लो। तो ग्रोथ इन अर्निंग्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 40% फॉर द ईयर्स 2024, 2025, 2026। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएंगे आपके, तो ईयर्स हैं आपके 2024, 2025, 2026। तो इसमें जो ग्रोथ होगी आपकी वो दे रखी है ग्रोथ,
ग्रोथ आपको दी है जिस विल बी इन अर्निंग्स, एक में ये जो भी फ्री कैश फ्लो हैं अर्निंग्स होते हैं पैट, उसकी ग्रोथ दी है आपको 40%। एंड विच विल फॉल टू 10% ईच ईयर आफ्टर दैट, और उसके बाद एक में 2027 से लेकर इन्फिनिटी तक फिर आपकी जो ग्रोथ है वो फॉल कर जाएगी 10%। सो इंडस्ट्रीज एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की है आपको के जिससे जो 15%, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स वाई की। तो देखो आपको इक्विटी की कॉस्ट की है के ओ नहीं की है, तो उसमें सिर्फ हम इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू और इक्विटी ये आपको फाइंड आउट करनी है। और कंपनी का डेट है 100 लाख का है जिसके ऊपर इंटरेस्ट है 10%, तो कंपनी आल्सो है कि 10% डेट, 10% लोन ऑफ रुपीज 100 लाख। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वे में पैक कैलकुलेट करना है। पर उसके सेल्स जो कैसे कैलकुलेट करेंगे टर्नओवर, तो इन 2 सालों की टर्नओवर में हमें आएगी एवरेज करनी पड़ेगी क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो पहले कैलकुलेट करके इनको टर्नओवर फॉर द ईयर, टर्नओवर फॉर 2022 जैसे टर्नओवर इनटू प्रोबेबिलिटी 2000 × 0.6 प्लस 1500 × 0.3, तो ये एवरेज टर्नओवर बन जाएगी आपकी 1200 × 0.1 जिसे 1200 आ रही है, देखो जैसे जो 1200 जैसे जो 450 प्लस 120, तो अवर टर्नओवर एवरेज है जो 1770। अब देखो इस साल की कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसकी एवरेज बना लूँगा, तो इट मीन्स 2500 × 0.7 प्लस 900, ठीक है ये देखो ये बन गई 2650। ऐसे फिर इसकी एवरेज बना लो जैसे 1900, और इसकी एवरेज बना लीजिए गेस इनटू गेस 900 प्लस 480 1380। अब देखो इस ईयर में ना पहले आपकी 3 इवेंट्स हैं और उसके अलग उसमें भी गोगो केस हैं, उनको पहले एवरेज बना दिया। अब ये जो सेल है 2650 फर्स्ट वाले, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बनगी 0.6 है, इसको फिर मल्टीप्लाई करो 0.6 से, और इसकी प्रोबेबिलिटी बनगी 0.3 क्योंकि ये जो ईयर 2 की सेल है वो फर्स्ट ईयर पर डिपेंड है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी प्रोबेबिलिटी लगेगी दोबारा से 0.1। अब ये बनेगी एवरेज सेल, सो 2650 × 0.6 1900 × 0.3 1380 × 0.1 सो टोटल चलिए 2298। अब हम अपना क्वेश्चन चला सकते हैं, सेल्स आ गई हैं, अब आप बनाइए इनकम स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम टैक्स निकालेंगे। तो ईयर साहब मेंशन कीजिए, तो फर्स्ट ईयर है आपका 2022 यानी कि 2023, फिर आपको दिया है 2024, 2025, 2026, इसमें ग्रोथ हो रही है आपकी, ग्रोथ आपको दे रखी गई जिस बाद अबर 40%, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी, फिर आपकी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी 26 में। तो फर्स्ट लेके सराई के बकल की टर्न ओवर रुपीज आपके चल रही हैं लैक्स में, रुपीज आ रही है लैक्स, देखो फर्स्ट ईयर की टर्न ओवर है 1770 देन 2298। अब इसके ऊपर आप देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके बेस पर आपका आ जाएगा। और ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये है इंक्लूडिंग डेप्रिएशन, तो इट मीन्स ये आपका आ जाएगा EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट है देखो इस साल में 40% माइनस करके 40%, और इस ईयर की है आपकी 35%, सो यू विल गेट EBIT दिस इज 1770 माइनस 40% 1062 देन 2298 माइनस 35% दिस इज 1493.7। अब इसमें ग्रोथ है करो आपकी इन 3 सालों की ग्रोथ है 40%, तो आपको लिखा ही था इसमें
प्रॉफिट्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है ग्रो 40% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो प्लस 40% किसी कमिंग 2091.18 प्लस 40% जिसमें नहीं 2927.65 प्लस 40% जिसमें नहीं 4098.27। अब इसमें से इनको माइनस करके इंटरेस्ट ऑन गेट वो आपको दिया है 100 लाख का लोन है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे 10%, ये आपका सेम ही रहेगा 10, ये सब में से कीजिए माइनस, सो बैलेंस विल बी अवर पीबीटी, बैलेंस आपका पीबीटी आ जाएगा जिसे 1052.1483.7 तो जिसे 2081.18 जिसे 2917.65 एंड 4088.7 तो लेस कर लीजिए आप टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, बैलेंस इज ओवर पैक, यही आपका फ्री कैश फ्लो माना जाएगा। माइनस अवर 30%, तो जिसे जो अवर 2862 यानी कि 2917.65 माइनस है 30%, जिसमें नहीं 2042.236 तो 2081.18 माइनस 30%, 1483.7 माइनस 30%, जिसे 1038.6 1052 माइनस 30%, 736.24। अब कह रहे हैं कि 2026 से बाद जो आपकी जो ग्रोथ है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी 10%, उसकी कैलकुलेट करो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू। तो बच्चे की टर्मिनल वैल्यू है या कि 2862, अब ग्रोथ होगी आपकी 10%, और जो के ई है वो आपको दे रखी है रिक्वायर्ड रिटर्न किसी की 15% 0.15 माइनस 0.1, तो किसी 2862 प्लस 10%, तो डिवाइडेड बाय 0.05, जिस टर्मिनल वैल्यू है जो 62964। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर रखे हैं पी वी फैक्टर से डायरेक्ट, नाउ यू टेक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट के 15% फॉर 5 ईयर्स, तो 1/1.15 0.758 0.578 0.572 0.497 राइट, ये सारे फ्री कैश फ्लो आ गए हैं, इनको मल्टीप्लाई कर को पी वी फैक्टर से तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 इक्विटीज लेकिन सी जिसमें 736.4 × 0.87 1038.6 × 0.756 देन 1456.83 × 0.658 देन 2042.36 टाइम्स 0.57 की को यानी कि 2862 प्लस टर्मिनल वैल्यू है 62964 टाइम्स 0.497, सो टोटल वैल्यू आ रही है देखो आपकी 36268, ये रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। ये सर गुड क्वेश्चन, मेन पॉइंट का इसके अंदर अच्छा जो टर्न ओवर एवरेज कैसे कैलकुलेट करने के लिए, ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में,
तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई और प्रॉब्लम हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।